वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तं बिंदावनम् वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंकं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वैपियावई केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वई नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवन्नम अभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिंचनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् वनतोपाल भवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पाद पल्लव नख चंदमनि छटाय विस्फुजित किमी गवधुष्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयी कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विशांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभुतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितोदीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
अपरिमिता ध्रुवास्तनुत यदि सर्वगता स्तरहीन सशते नियम ध्रुव ने तुरथा अजनित जनमयो जद मुच्चियंत्री भवे सममुजानता जद मतम मत दुष्टताया अपरिमितास्तुवास्तनुत यदि सर्वगता स्तरहीन सशते नियमो ध्रुव ने तुरथा अजनित जनमयो तदुमि तदु विमुच्य नियंत्री भवित सममनुजानताम जदमतम मत दुष्टताया। गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए गुरुपाद पद्मो एक सच्च माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसेंडेंटल मीडिया एक सच्च माध्यम है, एक अप्राकृत माध्यम है मीडिया, थ्रू विच जिस माध्यम के द्वारा शरणागत शिष्य अप्राकृत जगत का जो चीज़ है रहस्य है एज इट इज सब दर्शन कर सकता है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए गुरुपाद पद्मो एक सच्च माध्यम है, एक अप्राकृत सच्च माध्यम है जिसके सहारे शरणागत शिष्य अप्राकृत जगत का सारे वस्तु व्हाट इज व्हाट यथायथ दर्शन कर सकता है। गुरुपाद पद्म कृपा के अलावा अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत जीनिस है वस्तु है वो दर्शन करना संभव नहीं है। अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत गोचर न आए दर्शन, ये शब्द सारा बड़ा बड़ा धूम मचा के रख दिया। आदमी सोचते नहीं है, इतना बेकूब है ये दर्शन जो है, ये शब्द है धमाका मचा के रख दिया। ये सबसे बड़ा चीज है, ये जो जीवों का पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार पहले पहले जिंदगी का कैसा कैसा संस्कार था उसका मुताबिक उसका दर्शन क्षमता हुआ करते। कौन कैसा दर्शन करे, कोई गुरुजी को भगवान दर्शन करे, गुरुदेव भगवान समान एक ही है, गुरुदेव में भगवान दिखाई पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का अंदर राधा रानी का दर्शन करते थे, प्रभुपाद जी ने कहता है श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का चरण दर्शन करने जाए तो प्रभुपाद का दर्शन होता हुआ करता था राधा रानी का चरण, एग्जैक्ट राधा रानी उसका अंदर में दिखाई पड़ता। कोई पिता पिता फादर है डैडी है ये दर्शन नहीं होता, ये छागल का दर्शन है। पिता माता ये जो दर्शन है अप्राकृत जगत में इसको छागल का दर्शन बोला जाता है। दर्शन सबसे बड़ा चीज है, बिना दर्शन कोई नहीं है। एक पागल का भी दर्शन है, कुछ भी है चलो ठीक है, और दर्शन का मुताबिक आदमी का क्रियाक्रम बनता है। एक टाइगर का दर्शन है अलग सा, वो वेरु फेरसस किसी माताजी को देखे तो हमारा खाना मिल गया, डिनर मिल गया, छलांग लगा के खाना शुरू कर दी। और एक परमहंस बाबा अगर कोई माताजी को देखे तो उसका अंदर में राधा जी राधा रानी का दर्शन करे, कोई माता का दर्शन करे, भगवान श्री कृष्ण का सेविका, दर्शन में फर्क है। सारे चूहा बिल्ली कुत्ता गाधे घोड़ा सब कोई का, हाथी सब कोई का एक एक दर्शन है ना। ये जो हाथी हैं गोपाल दास
जिसको हमारा रसिकानंद प्रभु जी ने पूरा उसका पागलपंथी समाप्त कर दिया था। इस तो पागल था, वैष्णव अपराध किया था पहले जन्म में, वैष्णव अपराध करके हाथी हुआ था। चलो ये हाथी को वैष्णव अपराध से मुक्ति दिया, कौन किसने? रसिकानंद जी ने। वो हाथी तो हाथी ही था, किसी को देखे हाँ मरने जाए काटने जाए, रसिकानंद प्रभु को भी मारने आया आ करके एकदम उठा के पटक दे एकदम मारने के लिए आया, लेकिन है तो रसिकानंद प्रभु, वो तो अलग कोई नहीं है। उन्होंने हाथ उठाकर बोल दिया, ए कितना जिंदगी भर पागलपंती किया और कितना करेगा है, हाथी घोड़ा पालकी बैठ जा। वो चुप हो गया, किंतु अंतरात्मा का एक संत महात्मा का इतना प्रभाव क्यों है? आदमी कंपटीशन लगा देते हैं साधु का सामने, उसको जानकारी नहीं है जो साधु का इतना पावर क्यों है, क्योंकि भगवान अंतर में बैठा हुआ है। साधु का वचन का इतना पावर क्यों है? क्योंकि ये इसका वचन जो है अंतरात्मा से उतार के आती है, ये वचन जिह्वा से एक उपा मुख मुंह से जवान से निकल गया ऐसा नहीं, वह अंतरात्मा से अप्राकृत जगत का ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ही हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अप्राकृत जगत का सत कनेक्शन है और उतार के आता है शब्द ब्रह्म। इसीलिए एक शब्द का इतना पावर है। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बिहारी को बोला है भागवत पढ़, अरे बाबा आप जानते हो मैं लिखा पढ़ा जानता नहीं, अब कैसे पाठ करें? अरे पाठ कर जल्दी भागवत पाठ कर, और बार बार बोले तो भागवत खोल के बैठ गया तो गर्र से एकदम ऑटोमेटिक पाठ हो गया। ऐसा है ना, वैष्णव का प्रवचन के साथ पावर रहता है। ये सोचता है कि पॉलिटिकल लीडर का माफिक प्रवचन, ऐसा नहीं। शब्द ब्रह्म ऐसा है जो शब्द ब्रह्म का ये माने हैं, जो शब्द निकल रहा है और ये शब्द जो मीनिंग बोल रहा है वो वस्तु जो है ये एकाकार है, आई बात समझ में? अप्राकृत शब्दों का महिमा है इसलिए है, अप्राकृत शब्दों जो उतार के आया है और ये शब्दों जो चीज को इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेशन, वो इंडिकेटेड जो ऑब्जेक्ट है एंड इन साउंड, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे कृष्ण बोल दिया कृष्ण उपस्थित है, वृंदावन बोल दिया माधवेंद्रपुरी वृंदावन उपस्थित है, ये हैरान की बात है, आदमी समझता नहीं। वो लोग का मेटेरियल ब्रेन है और साधु का साथ कंपटीशन करे, मारा मारी करने जाए, पॉलिटिकल इशू बना ले कुछ, ऐसा हंगामा हो गया। रसिकानंद प्रभु उसका पागलपंती बंद कर दिया, क्योंकि अंतरात्मा से बोले ए बंद कर दे, तो उसका जो आत्मा है रसिकानंद प्रभु का अंतरात्मा में भगवान बैठा हुआ है, और हाथी का अंदर में भी भगवान है पैसिव रूप में, उसको पता नहीं। सिर्फ इतना फर्क है, साधुओं का अंदर में भगवान का प्रकट विहार है, वैष्णवेर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद रेस्ट लेते प्रकट विहार, और जो बद्ध जीवों का अंदर में भगवान है लेकिन वो समझ में नहीं आता, उसका कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, इसीलिए समझता नहीं। यही फर्क है, भगवान हर वस्तु में, हर व्यक्ति में है, हर प्राणी में है, हर प्राणी में है। रसिकानंद प्रभु उसका पागलपंती समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसको जिंदगी भर वैष्णव सेवा में लगा दिया। अब देखो एक ही हाथी, पहले जब अपराध था उसका दर्शन था एक, जैसे कोई कोई भक्त तो है ना, वो काल भी बताया था अंग्रेजी कथा में, इतना स्प्रे इतना प्रीति इतना स्नेह मिलने का बाद भी कोई अपराध किया होगा, समझने की बाहर है, कुछ समझने का कैसे हो गया ये, कैसे है, इतना कॉन्शियसनेस बढ़ गया, इतना समझदारी है, सब कुछ समझ में आता है, बस सिद्धांत तो समझ में आता है, दूसरे को सिद्धांत तो समझा रहा है, आप गलत समझो बाबा को, अब खुद ऐसा अपराध कर दिया, बस हो गया छुट्टी। बद्धजीवों का कोई सर्टेनिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं है,
तीर्थ महाराज भी ऐसा करते थे, उसका चिट्ठी में भी है। बद्धजीव स्वतंत्र है, उसका कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर उसका इलाज करे, गुरु उसका इलाज करे, अगर वो स्वतंत्र रास्ता में जाए तो गुरु क्या करे? इलाज कर दिया, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। बावन महाराज भी बोलते थे, जोर जबरदस्ती करो तो एक कर्म का अंदर हो जाएगा, थप्पड़ लगा के मार के डांट के धमका के भजन नहीं होता। उसको इसी रास्ता में करो तो एक कर्म का अंदर, टू मच प्रेशर इज नॉट अलाउड। प्रेशर करने जाओ तो कर्म हो जाएगा तुम्हारा तरफ से। आप बोलना शुरू कर दो, आचरण रहे आपका, इतना हरि कथा बोलो, किसी का अंदर में स्पर्श हो गया, ये अंतरात्मा का बातें हैं। एक अंतरात्मा का बात है, दूसरे अंतरात्मा का हृदय में स्पर्श जरूर होता है, क्यों नहीं होता है? जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा है रसिकानंद प्रभु का जो बातें हैं अंतरात्मा से, हाथी का हृदय में स्पर्श कर दिया, और चैत्य गुरु रूप में भगवान है वो समझा दिया। तो बातें समझे ना समझे को दूसरा बात है। प्रभुपाद भी एक ही बात कहते थे, हरि कथा अप्रागित शब्द ब्रह्म, इट मैटर्स लिटल वेदर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी और बंगाली और उड़िया और संस्कृत, इट मैटर्स लिटल। ये विषय नहीं है, बड़ा बात नहीं है। प्रभुपाद कहते थे कि हरि कथा हो रहा है, अप्रागित जगत का हरि कथा हो रहा है, अप्रागित शब्द ब्रह्म है, ये किसी भी लैंग्वेज में हो, बैठ जाओ उसका असर पड़ेगा हृदय में। गुरुजी भी कहते थे, ए बांग्ला का तो हो रहा है फिर भी फॉरेनर लोग बैठे तो बैठे, बैठने बोलो, हरि का तो हो तो समझे ना समझे बैठे। शब्द ब्रह्मों का प्रभाव कभी बेकार नहीं जाता, जो भी है चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है, हर प्राणी का दर्शन है, देवता लोगों का भी दर्शन है, गंधर्व लोगों का भी, ऋषि मुनियों का दर्शन छोड़ के कोई नहीं। एक अंधा व्यक्ति जो है आंखों में देखता नहीं, वो फिर भी वो सोच लेता है कुछ, उसका भी एक दर्शन है। हम लोग दर्शन सोचते हैं कि आंखों के द्वारा, नेकेड आई के द्वारा, ये जड़ वस्तु देखने के लिए जो आंखें हैं, रक्त मांसों का आंखें कैमरा है, एक टाइप का कैमरा, ये इसका द्वारा जो दर्शन है इसी को दर्शन मानते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्रों का ये माने नहीं है। सबसे बड़ा बात है अंतरात्मा का जो स्थिति है, इसके अनुसार दर्शन होते रहते हैं। कि दर्शन में क्यों भेदभाव है, इतना दर्शन में भेद है क्यों? एक एक करोड़ों करोड़ों इन्फिनिटी दर्शन, एक एक प्राणी का, एक एक जीव का, एक एक, यहां साधु का भी इसका बारे में शास्त्र में बताया गया, न सौ मुनिर जस्व मतम न भिन्नम धर्म सतत्वम नीतो गुहायम महाजनो येनो गतो सपंथ। ऐसा कोई मुनि ऋषि नहीं है, दो मुनि ऋषि चुनो, ऐसा कोई तो ऋषि मुनि चुनो, ये दोनों भी फर्क बनेगा है? एक विषय पर हाईकोर्ट में काम हो रहा है, दो जज है, दोनों का दोनों फर्क है, कैसे हो गया? अरे लीगल मैटर्स है, एक साइंटिफिक होना चाहिए, दोनों का दोनों फर्क हो गया, ये बोले ये बोले ये। ऐसा ही होता है, नाशो मुनि जस्व मतम न भिन्नम धर्म सतत्म नहीं तो गुहायम महाजनो जैनो गतो सफलता। ये सबसे बड़ा चीज है, इसको समझने से और कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा चीज ये है, कभी अगर वही समझे इस बात को, यह हमको भजन करते करते गुरु वैष्णव का अनुगत्व में हमारा दर्शन को परिवर्तन करना, हमारा दर्शन को वैकुंठ लेवल में ले जाना, यही मेरा भजन है। भजन कोई नाटकबाजी नहीं है, तो हरे कृष्ण कर दिया है, नहीं, भजन मतलब नाटकबाजी नहीं है। हर रोज हरि कथा सुनते खाना बंद हो जाओ ठीक है, आ महाराज आज भूल गया खाने में, ठीक है चलेगा, लेकिन हरि कथा में भूल गया ये चलेगा नहीं, ये चलेगी नहीं। रोज हरि कथा कीर्तन छोड़ के जो जिंदगी है, ये पशु का जिंदगी है,
आदमी का जिंदगी नहीं, हरि कथा छोड़ने से ही आदमी का पतन। इसे हर वक्त गुरु वैष्णव का अनुगत में अपना दर्शन शक्ति का यथा यथा आत्मा परिमज्जत असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा वश्यति पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम। ये दर्शन का बात आता है ना, कैसे अर्जुन का दर्शन खोटा है क्या कि देखने में संभव नहीं है कैसे? अरे इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ, जैसे ऐसे आत्मा अंतरात्मा अंतर अंतर का अंतकरण जो है, जैसे जैसे हरिकथा सुनते रहे, असली हरिकथा, नकली हरिकथा नाटकबाजी नहीं है, असली हरिकथा सुनते 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 चेत दर्पण मार्जनम, जैसे महाप्रभु जी ने बताया यही होगा। यही भागवत का भागवत का इस श्लोक में यही बताया, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सुवनो विधाने। जितना जितना भगवान का कथा प्रसंग, भक्तों का प्रसंग, धाम का नाम का प्रसंग सुनते रहोगे, वैकुंठ प्रसंग, उतना ही अंतरात्मा का क्लैरिटी, स्वच्छता, परिष्कार, निर्मल भाव को प्राप्त करें। और उसका बात क्या हो, जैसे जैसे सुनते चले वैसा प्रोपोर्शनेट रेशियो, रेशियो है अंग्रेजी मैथमेटिक्स में, रेशियो बोलता है, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो, यथा यथात्मा परिमिज्यत असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म सूक्ष्म, जैसे ऐसा अंतर का दर्शन शक्ति चेत दर्पण मार्जन होते रहे, उसका ही दर्शन क्षमता बढ़ते रहेगा, मतलब उस सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु का दर्शन के लिए काबिल बनेगा। तो दर्शन जगत में पारमार्थी राज्य का जो दर्शन है, भगवत दर्शन, धाम दर्शन, नाम दर्शन, गुरु दर्शन, सब सूक्ष्म दर्शन है। ये कोई मोटा दर्शन नहीं है, कुत्ता बिल्ली का दर्शन नहीं है, ये गाधा कुत्ता बिल्ली का दर्शन नहीं है, हैं उल्लू का दर्शन नहीं है। तो भजन का मतलब ये यूं समझ लो, यूं समझ लो कि भजन का मतलब जिसका जिसका जितना अच्छा दर्शन क्षमता डेवलप हुआ, उसका भजन परफेक्ट हुआ, और दर्शन पक्का होते होते वैकुंठ दर्शन खुल जाए, जब ही संभव है भगवत दर्शन। वैकुंठ दर्शन नहीं होने से, वास्तविक रूप से वैकुंठ दर्शन नहीं होने से, गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम किसी अपरागिक जगत का दर्शन नहीं होगी, ध्यान देना। और वैकुंठ दर्शन का माने क्या है, कल भी बताया था अंग्रेजी कथा में, टू सी एवरीथिंग पॉजिटिवली, नेगेटिव। संसार में इतना दुख है महाराज, इतना कष्ट है, इतना लूट लिया गया, क्या हो रहा है माँ, इसको पॉजिटिव दर्शन करो, अनुकूल दर्शन करो। तित्त महाराज भी ये कहते थे, एक पक्का वैष्णव तित्त महाराज जी कहते थे एक ही बात, हम भी कहें बोले कभी एक पक्का वैष्णव जो है प्रतिकूल दर्शन नहीं करते। बड़ा भरा सुंदर बातें हैं, एक पक्का वैष्णव जो है कभी प्रतिकूल दर्शन नहीं करते, प्रतिवाद करते हैं, प्रतिवाद करना, सिचुएशन रेक्टिफाई करना, एक सुझाव देते हैं, कभी ऐसा करो ऐसा करो, ये पक्का प्रवचन देते हैं कड़वा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु वैष्णव भी दर्शन करे, दोष दर्शन करे, नहीं। ये प्रभात कह रहे हैं कि ये जो गुरु वैष्णव बद्ध जीवों को रेक्टिफाई करने के लिए, संशोधन करने के लिए जो मजबूर होके इतना कड़ा प्रवचन देते हैं, इतना डांटते हैं, मानो कि लगता है क्रिटिसिज्म, लेकिन प्रभात कहते हैं ना ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये स्नेह है, ये अपराकृत स्नेह व्यवहार है गुरु का। अरे गुरु ना करे, वैष्णव ना करे तो कौन करेगा, हैं? गुरु वैष्णव अगर ऐसा काम ना करे तो कौन करेगा, बाजार का आदमी करेगा क्या, हैं? कौन संशोधन करेगा मेरे को,
कीर्तन के समय में बोलते रहते हैं ना, छय बेग दोमी छय दोषदी छय गुण देहो मोरे, बोलने का टाइम में ठीक है, क्या बोला बिरबल बक बका के गया। अरे कीर्तन में क्या बोला? अरे गा दिया महाराज, कीर्तन बोलने के लिए बोला गा दिया। छय बेग दोमी छय दोषदी छय गुण देहो मोरे, काम क्रोध लोभ मोह मदो मास्य, ये जो छय बेग है इसको शोधन करके छय बेग को संभाल के मेरे को छय गुण दे दो। हे गोसाई, हे गुरुजी, हे वैष्णव, जाके मेरा पूरा समाधान हो जाए। समाधान मतलब वैकुंठ दर्शन आ जाए। तथ्य अनुकम्पम सुसमीक्षमान भुंजान एव आत्मकृत विपाकम हृदभाग बबुवीर्विदत नमस्ते। जीवे तो भक्ति पदे सौदाय भाग, जीवे तो मुक्ति पदे सौदाय भाग लिखा हुआ है, लेकिन महाप्रभु अप्रूव किया है इसीलिए हमने भी बताया। भजन का मतलब ये है, भजन करते करते मतलब दर्शन का पावर बढ़ाते बढ़ाते पूरा अभी वैकुंठ दर्शन प्राप्त कर लिया। प्रतिकूल कुछ भी हो जाए, संसार चूल्हे में जाए, कुछ भी हो जाए, बस अनुकूल दर्शन ही अनुकूल दर्शन, प्रतिकूल दर्शन नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग गुरुपाद पद्म कथा, प्रभुपाद कह रहे हैं जो हम लोग गुरुपाद पद्मों से जो सुना हुआ है शब्द वाणी आप लोगों का सम्मुख, आप लोगों का सामने आचरण के द्वारा परिवेशन उपस्थापन कर सकते, इतना ही काफी। अपना मनमानी कोई फिलोसफी बनाना ये नियम नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग साधु होने का नाते आप लोगों का सामने गुरुवर्गों से गुरुपाद पद्मों से जो सुना हुआ है वो नैवेद्य है, ये आप लोगों का सामने पेश, आप लोगों का सामने पेश कर सकते हैं, इतना ही है। ये छोड़ के हम लोगों का अलग सा कोई एफिशिएंसी का कोई कीमत नहीं है। हम कोई हमारा गुरुजी कितना हरिकथा बोलते हम दिखा देंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, पागलपंती है। ये छोड़ के प्रभुपाद कह रहे हैं उपस्थापन पेश कर सकते हैं आप लोगों के सामने क्या सुना हुआ है सौतवाणी, ये छोड़ के हम लोगों का और कोई दूसरा कोई एफिशिएंसी है स्पेशल एफिशिएंसी जो गुरुजी में, जो गुरुजी में दिखाई नहीं दिया, ये पागलपंती है, ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अधोक्ष जो वस्तु, इसका व्याख्या भी हो चुका बहुत बार। ये अधोक्ष जो वस्तु को ये मेटेरियल जगत का जो प्लेटफॉर्म है इसी में, इसी प्लेटफॉर्म का बराबर देखना ठीक नहीं है। अधोक्ष जो वस्तु जो है कर्मी का प्लेटफॉर्म, एक वर्कर, मेटेरियल वर्कर, हम लोग सब वर्कर है लेबर है, मटेरियल लेबर, जो कुछ भी हो, जितना भी एडुकेशन हो, जितना भी पैसा हो, सब लेबर है। मायादेवी का, मायादेवी का ठेका लिया, मायादेवी का वो ठेका लिया हम लोग, ये कर रहा है। ये अधोक्ष जो वस्तु कर्म भूमिका का ऊपर उतार के आए ये संभव नहीं है। हम लोग कर्म भूमिका का प्लेटफॉर्म में है और भगवान भी हमारा प्लेटफॉर्म में आए, संभव नहीं। माया का मिलावट करके भगवान आ जाओ, आप शुद्ध रूप में आओ तो दर्शन का विषय नहीं बनोगे। ऐसा करो थोड़ा माया मिला के आओ, चाहे चाय में थोड़ा चीनी मिला दो, चाय में थोड़ा चीनी मिला दो और थोड़ा दूध मिला दो और खाने में अच्छा लगे। भगवान ऐसे नहीं आता है। प्रभुपाद मजाक उड़ा के कहते थे भगवान तुम एक टू माया में शी ऐशो, प्रभुपाद मजाक उड़ा के कहते थे भगवान तुम एक टू माया मिशी ऐशो। अरे भगवान माया मिशा के नहीं आता, कभी नहीं आए। आगे चलो, जो जिस भूमिका में हो सो आगे बढ़ो, जो जिस भूमिका में हो आगे चलो, हर दिन उसका समीक्षा बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ, जे आज ये भजन किया, एक हरिकथा सुना और तरक्की क्या है,
मेजरमेंट करते चलो, स्टैटिस्टिक बनाते चलो, काल ऐसा था आज ऐसा हुआ, तरक्की हुआ कि नहीं, नहीं जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, और कभी नहीं होगी तो फिर अनंत काल सुनते जाओ ऐसे ही निकम्मा बनके। अप्लाई करना चाहिए ना, हरि कथा मतलब हरि कथा का जो विषय है अपना जीवन जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए, प्रयोग करो, अप्लाई करो। भगवान अगर कौर्मी भूमिका में आए तो ये तो मेरा भोग का समान बन जाएगा, भोग का समान बनेगा ना। निसिंग भगवान का 20 केजी परमाणु दे के, ठाकुर जी मेरा टैक्सेशन का विषय है थोड़ा बचा देना, सीबीआई से आदमी आने वाला है थोड़ा बचा देना। अरे निसिंहदेव मेरा नौकर बन गया, चलो प्रभात जी ने सिखाया निसिंहदेव से एक ही चीज मांगना है, भक्ति विघ्न विनाशन करी भगवान, भक्ति का रास्ते में जो मुसीबतें आए उसको हटा लेना ठाकुर जी, बस इतना ही है। हमारा बीमार पड़ गया हमको ठीक कर दो, हमारा ये फलाना केस हो गया उससे महाराज रिहा कर दो, ये ठीक नहीं है। भगवान इसीलिए नहीं है, ये जीवन जिंदगी दो दिन का है, काल भी बताया था अंग्रेजी कथा में। अनंत भगवान अनंत हरि, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे, हरि अनंत हरि रूप अनंत, अनंत का साथ मेरा कनेक्शन हो जाए बस यही समाधान है। मारा समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, हमारा समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, एक ही कारण, क्योंकि अनंत का साथ मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया अभी तक। गुरु भी अनंत देव है बलदेव, लेकिन गुरु का साथ भी तो कनेक्शन नहीं हुआ ना, दिखावा दिखा ले लिया, ये दिखा तो पक्का दिखा नहीं हुआ, दिखा अगर पक्का होता तो भगवत भी भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता ना, पक्का दिखा होता तो, अब पक्का भजन होता तो। भगवान हमारा इन्फिनिटी वर्ल्ड में, भगवान इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल इन्फिनिटी कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मिक वर्ल्ड नहीं सारे तमाम प्राकृत अप्राकृत जगत का पूरा सेंटर पॉइंट भगवान है, सेंटर ऑफ लव। हमारा जो प्यार है मोहब्बत है, हमारा जो आकर्षण है प्रीति है, सब टुकड़ा 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 चूर चूर करके एक एक वस्तु में हवाले कर दिया, एक एक वस्तु में टुकड़ा टुकड़ा बंटवारा कर दिया, जिसके देश का बंटवारा होता है ना ऐसे, तो कंप्लीट वस्तु जो भगवान है उसमें नहीं है अटेंशन। प्रभात कह रहे हैं कि भगवान जो हमारा पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इनडिफिनिट, यू नो इनडिफिनाइट ऑल लव्ड, एक्चुअली भगवान जो है हमारा सारे सब कुछ है, हार्ट एंड सोल है। जैसे सूरज है, सूरज का किरण है, किरण सूरज नहीं है, फिर भी सूरज से इतर वस्तु भी नहीं है, अलग नहीं है। भगवान का नित्य सेवक है, जितना सारे जीव है सब भगवान का नित्य सेवक है, और सेवा छोड़ के कुछ भी मनमानी करो तो बंधन ही बंधन, किसी बाप का हिम्मत नहीं है कि किसी को जितना कवच ले लो, कितना तंत्र मंत्र सर्वजन तो कुछ भी करो, किसी भी हालत से और कोई रास्ता खुलेगा नहीं, संभव नहीं है। जो श्लोक देके शुरुआत किया है बड़ा सुंदर 87 चैप्टर का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, ये आश्चर्य श्लोक है, वेद स्तुति में आता है। अपरिमिता दुवास्तनुभितो यदि सर्वगता तर ही न सते नियमो ध्रुव ने थोरथा अजनित जन्मयो तद विमुच नियंत्री भवेद सममन जानता जद मतम मत दुष्टतया। अपरिमिता अनकंट्रोल्ड आउट ऑफ एनी मेजरमेंट, ऐसा अगर सोचा जाए जीवात्मा विभू वस्तु है, ऐसा कोई अगर सोचे पागल बनती है, कोई अगर सोचे जीवात्मा विभू वस्तु है, कोई कोई पागल बताता है,
ये नहीं है, भगवान विभु वस्तु है, विभु वस्तु भगवान है, और तमाम जीवात्मा जो है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ भगवान। अल्टीमेटली बाहरी दृष्टि में जीवात्मा को, हर जीवात्मा को एक आजादी दिया गया ना, हर कोई का आजादी है ना। हाँ हम नहीं सुनेंगे हरि कथा, ठीक है जा, आजादी दिया गया। वो आजादी का इस्तेमाल कैसे करे, सबसे बड़ा ये सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कैसे इसका जो आजादी दिया गया इसको कैसे इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे तो सही रास्ता पे जाए, और ना पारे सही इस्तेमाल ना कर पाए तो उसका ही पतन ही पतन, बंधन में ही रह जाओ। सो अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभितो, निश्चित परिमाण में ये सच्चा है, भगवान अनंत ब्रह्मांड का विभु वस्तु है, कंट्रोलर है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, निश्चित परिमाण है ध्रुवा। और कोई अगर सोचे कि जीव स्वतंत्र है तो क्यों, कैसे स्वतंत्र है ये प्रमाण करो, ये शासन का योग्य है जीव जो है, अनंत जीव जो है ये शासन का योग्य है, और भगवान शासन करता है, भगवान किसी का कंट्रोल में नहीं है, प्रेम छोड़ के किसी जीवात्मा का कंट्रोल में नहीं है, वो तो सराहट विभु वस्तु है। अगर बद्ध जीव विभु वस्तु है, सुप्रीम कंट्रोलर है, तो इसका ऐसा क्यों है ना पेनफुल सिचुएशन, ऐसा पेनफुल सिचुएशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अब विभु वस्तु है तो कर लो अपना, कुछ समाधान कर लो अपने आप। तरही न सत्य नियमो ध्रुव नेतरथा न इतरथा, विपरीत हो ही नहीं सकता। कोई अगर कहे कि जीव शासन करता, जीव अपने मनमानी नहीं, नेतरथा न नेतरथा उल्टा हो नहीं सकता, ये नियम है, भगवान कंट्रोलर है, वी आर कंट्रोल्ड बाय भगवान, एंड भजन राज्यों का भी ये रहस्य है, वी वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम डिविनिटी, ये भजन राज्यों का ये कहानी है, सिक्रेसी है, वी वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव, वी वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय दैट सुप्रीम डिविनिटी। और माया जगत का आदमी जो है दे वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय माया, इतना फर्क है काजी। ये मत जो है, ये जो सिद्धांत तो है गलत है कि जीव स्वतंत्र है, जीव शासन योग्य है, ये ठीक है। जदमतम मत दुष्टतया, ये दुष्ट मत है, ये गलत है सिद्धांत, ठीक नहीं है। अब ये चर्चा हो रहा था दर्शन के बारे में, और अर्जुन को भगवान ने कह रहे हैं कि देखो अभी तुम देखना चाहते हो, सब देखो। सात नंबर श्लोक काल भी बताया था, आज थोड़ा याद दिला दे। इहोई कस्थम जगत कृष्णम पश्चादो सौ चराचरम मम देहे गुराकेशो जच्च अन्नद द्रष्टुमिच्छसी। पहले भी कह दिया बद्ध जीव का दर्शन में लिमिटेशन है, बद्ध जीव का दर्शन में लिमिटेशन है, लिमिटेशन का बाहर नहीं जा सकता। कोई अगर पेपर को जिसमें कोई लिखा हुआ है उसको इफ यू ब्रिंग टू नियर टू योर आइज यू कैन नॉट रीड, आंखों का एकदम सामने लाओ जिसको पढ़ना चाहो, अरे महाराज ये कैसे पढ़ा जाए, और ठीक है बहुत दूर हटा लो ऐसे महाराज कैसे पढ़ा जाए, और थोड़ा नजदीक लाओ, हाँ दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसका बारे में कहा था ना ये महीना भर, एक महीना पहले प्रभुपाद कहने वी नीड टू ग्रो एन एडजस्टमेंट, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। प्रभुपाद जी ने कहा
हम लोगों को एक पक्का एडजस्टमेंट बनाना है गुरु वैष्णव का कृपा से, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। प्रभुपाद कहते थे जो एडजस्टमेंट के द्वारा हम गुरु वैष्णव को, भगवान को, धाम को, नाम को, सारे वस्तु को समझ पाए, इट इज कॉल्ड ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। ये अगर नहीं कर पाए तो आई एम फेल्योर इन भजन, अंग्रेजी कथा में भी चर्चा करेंगे आज। ये अगर नहीं कर पाए तो आई एम टोटली फेल्योर इन भजन। दर्शन का बात बताया ना, ये ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट इसी का अंदर में ही आता है। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे सन गॉड है, अरे सन गॉड का साथ हमारा भगवान का कृपा से ऐसा एडजस्टमेंट हुआ, अगर एडजस्टमेंट नहीं होते, अरे एडजस्टमेंट हुआ तब ना अच्छा लगता है, ठंड जारे का मौसम में थोड़ा ताप लो महाराज, सूरज में धूप में बैठो, अरे जो सूरज का सामने जाने का कोशिश करो कि भेपर होके निकल जाओ, चकनाचूर हो जाएगा पूरा। सूरज का सामने जाना संभव नहीं, कितना लाइट ईयर्स है, 14 लाख ऑफ टाइम मोर बिगर देन सन देन अर्थ, पृथ्वी से 14 लाख गुना उससे भी ज्यादा। और देखो कितना हैरान की बात है, सूरज को लगता है छोटा सा बाटी जैसा, अरे अच्छा ही है। और भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया कॉस्मिक जो जो वर्ल्ड है उसका सिचुएशन को गड़बड़ी हो गया, सन गॉड का नजदीक जाना शुरू कर दे पृथ्वी, तो हो जाएगा सारा तमाम दुनिया का जितना हमारा वाटर है, वाटर सोर्स है, उन्होंने जितना समुंदर है सब भेपर का मापिक चला जाएगा, अब कुछ नहीं टिकेगा है। तो प्रभुपाद जी का ये कहना है कि जैसे सानगोट का कुछ टू मच नियर जाओ तो मर जाओगे, और सानगोट अगर नहीं रहे ओ ठंडी में मर जाओगे, पूरा बर्फ बर्फ हो जाएगा, पूरा मर के एकदम खत्म हो जाओगे। अगर सूरज नहीं हो यूं हो गया, ऐसा अगर ऐसा हो गया सूरज 5 दिन 10 दिन नहीं निकला, हो गया पूरा डार्कनेस, बर्फ बर्फ हो जाएगा। तो सूरज का साथ ठाकुर जी का कृपा से हमारा ऐसा एडजस्टमेंट बन गया कि सूरज जहां तक है जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस वो ठीक है महाराज, इतना डिस्टेंस काफी है, इसमें मैं सूरज को दर्शन कर सकूं, प्रणाम कर सकूं, थोड़ा धूप दीप मैं भी दिखाता हूं, सूरज नारायण भगवान की जय हो। अब उल्टा हो गया तो हम भी मारा जाएंगे, कहाँ जाए। तो ये इसको वो नाम है, भजन का नाम है एडजस्टमेंट भी, जो दर्शन में आया था ना थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, ये दर्शन का अंदर ही आता है, क्योंकि ये 22 वर्षा ये इसका साथ जोड़ा हुआ है। जैसा जैसा दर्शन बढ़ते रहेगा उतना ही एडजस्टमेंट मेरा गुरु जी का साथ, वैष्णव का साथ, शास्त्रों का, सारे हमारा एडजस्टमेंट पक्का होते रहेगा। एक ही बात है, दो फेज है देखने में। तो ये जो है ये एडजस्टमेंट का बात है, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए, धाम का साथ, नाम का साथ, भगवान का साथ, भगवान का कथा का साथ, सारे एकदम ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट होने से ही हम पक्का एक बड़ा साधु बन जाएंगे, ऐसा ही है। बड़ा बड़ा संत महात्मा का यही रहस्य, भजन का यही रहस्य है। तुलसीदास जी को अगर बताया गया महाराज आपका निंदा करता है, गाली देता है, तुलसीदास बोले उसको लाओ मेरा भजन कुटीर का सामने भजन कुटीर, अरे आप समझा नहीं, अरे वो गाली देता है आपको, आपका आपका निंदा चुकली करता है, बोले उसी लिए तो बोल रहा हूँ लाओ ना मेरा सामने लाओ ना, मैं भिक्खा करके माधुगुरी करके भजन कुटीर बना दूँ, वो भजन कुटीर में रहें और मेरे को देखते रहेगा, मेरा कितना सारे दोस्त है वही जाने हैं, वो जाने उसका बाबा जाने, निकालते रहेगा ये बाबा का ये दोस्त है ये दोस्त है, हाँ ठीक है हम रेक्टिफाई करते रहेंगे, वो दोस्त उतारते जाएगा दिखाते जाएगा, हम रेक्टिफाई कर ले, अपना दोस्त तो दिखते नहीं हमको, अच्छा होगा बढ़िया है, भजन में हम तरक्की करेंगे, ले आओ उसको।
इसीलिए भगवान का भी यहां जो दर्शन का मामला है, ये विश्वरूप दर्शन कोई एक बात नहीं है, ये गीता का अंदर, महाभारत का अंदर है, चैतन्य चरितामृत का अंदर है, और भागवत में भी है, विश्व दर्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक जगह का विचार एक एक किस्म का है। यहाँ अर्जुन, एक अर्जुन जो है एक मानव का भूमिका में है, बद्ध जीव का भूमिका में उतारा आया इच्छा करके हमको बचाने के लिए। अर्जुन का जो भूमिका है, इस भूमिका का बात करो, इसी भूमिका का बात करना चाहिए। है तो अर्जुन भगवान का सखा है, दोस्त है, जिगड़ी दोस्त है, आप भगवान को दर्शन करते रहते हैं कि खोटा दर्शन हो सकता है क्या? भगवान का साथ दोस्ती है, सब है, यही तो बात है ना, इसी बात का चर्चा है। ये इहोई कस्तम जगत कृष्णम पश्चादो सौचराचरम ममो देहे गुरा केशो जच्चा अन्नद द्रष्टुम इच्छसी। अच्छा, एक एक मामला है, इधर अचानक भगवान को सब्यसाची, ये परम तप, बहुत सारे नाम, ये अर्जुन हटा दी, अचानक यहाँ गुराकेश बता दिया, ये क्या कारण है? बोले सब कारण है, कब कहाँ हो रहा है, कब क्या हो रहा है, भगवान क्यों बोल रहा है, एक एक शब्दों का मेजरमेंट है, क्या कारण है अचानक इतना अर्जुन परम तपो महावीर इतना सारे कुछ पर सब बता दिया, और अब जाके गुराकेश बोल दिया, क्यों कारण है? महाराज गुराकेश का मतलब ये है, जैसे सब्यसाची, अर्जुन का बहुत सारे नाम है, इस सब्यसाची का मतलब है जिसका दाहिना हाथ और बायां खैरे हाथ दोनों समान चलता है, जिसका दाहिना हाथ और बायां हाथ समान चलता है, इसका नाम है सब्यसाची। और परम तपो का मतलब जो युद्ध क्षेत्रों में शत्रुओं को पसीना पसीना बना दे, समझा? आई बात समझ में? जो युद्ध क्षेत्रों में ओपोनेंट पार्टी को, शत्रु को पसीना पसीना बना दे, इसका नाम है परंतु, इतना पराक्रम है, परंतप है। अरे कौंतियों का क्या मतलब है? प्यारा नाम है, कुंती देवी बुआ है, बुआ का लड़का है, याद दिला देता है, तुम मेरा बुआ का प्यारा लड़का, मेरा कितना प्यारा हूं, ये भी याद दिलाना चाहते। ऐसा करके एक एक नाम का एक एक रहस्य है। गुराकेश यह बता दिया क्योंकि अर्जुन का नींद, अर्जुन नींद को जय किया, निद्रा को जय किया, अर्जुन ने निद्रा को जय किया, उसको सोने का दरकार नहीं है, बिना सोए टकटकी लगाकर देख सकता है सब चीज। आई बात समझ में? अर्जुन का ऐसा बना दिया, अर्जुन इतना पावर है, अरे हम लोग नहीं सोए तो मर जाएंगे, अर्जुन का ऐसा भगवान बना दिया, वो अपना पावर है कि बिना सोए भी रह सकता है। बिना सोने का क्या मतलब है? और जो पहलदार है ना, वो क्या है, उसका टकटकी लगा कर देखना है, कोई आता जाता है, हेरा कुछ हो जाए वो देखना है, सिक्योरिटी है ना। तो अर्जुन का अभी गुराकेश बता दिया, इसलिए तुम टकटकी लगाकर, तुमका दर्शन में कोई बिल्कुल कोई क्लांति नहीं है, तुम्हारा दर्शन में कोई क्लांति नहीं है, नॉन स्टॉप दर्शन कर सकते हो, तुम तो गुराकेश हो, तो ऐसा देखो मेरा ये शरीर में ही देखो गुराकेश, हमारा ये शरीर में एक पार्ट में, एक देश में हमारा ये देहो जो शरीर है अप्राय, इसका एक देश में अवस्थित हो, सचराचर समग्र अनंत विश्व ब्रह्मांड को दर्शन कर लो, और इसके अलावा और कुछ दर्शन करने का इच्छा ख्वाहिश है ये भी अभी देख लो। जैसे तो महाराज युद्ध होगा, युद्ध का परिणाम क्या हो सकता, अरे परिणाम देख लो ना, वो भी सब लिखा लिखा झुका है, ये युद्ध होने जा रहा है, युद्ध हो रहा है, उसका सब सबका
सबका हिस्ट्री जो है सब लिखा हुआ है, सब देखो, ये देख लो, ये युद्ध हो रहा है उसका परिणाम क्या है सब दिखेगा, भूत भविष्यत वर्तमान इसका टाइम जो हमने भाग कर दिया, ये जो हमने टाइम को भाग कर दिया, डिवीजन कर दिया ना, डिवीजन कर दिया ना, ये पास्ट है हमारा, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, हमने भाग कर दिया ना, भगवान तो भाग नहीं किया, भगवान का यू नो कहना है ये टाइम तो एक फ्लोइंग फैक्टर है, टाइम इज अ फ्लोइंग फैक्टर, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, समय चलते रहे, किसी के लिए रोका नहीं है, ठीक है। और इसी वास्ते भगवान कह दिया इसका टाइम जो फ्लो है, ये टाइम जो है ये तुम्हारा सामने फ्लो है, भगवान का सामने भूत भविष्यत वर्तमान अनंत 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 कोटि पहले कुछ हुआ था, ये भी भगवान का नजर नजर के सामने है, भगवान का निगरानी में है। अब कहो बात, अनंत अनंत कोटि काल पहले कुछ हुआ वो भी भगवान की याद, अब भगवान का साथ टक्कर लेने जाओ, अर्जुन टक्कर लेने गया था ना, अरे क्या कहते हो भगवान, आपका जन्म है काल जन्म हुआ है, और जो सांगोड़ है विभवसान जो है वो पहले जन्म, क्या कहते हो भगवान। भगवान बोला नहीं, तुम्हारा हमारा जन्म बहुत बार हो चुका, ऐसा नहीं कि आ जाया, तानी अहम हैं बेदो नो जनाहा, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। अच्छा हाँ, भगवान इसी को, अब सोचो क्या बात है, दिमाग में खोपड़ी में अगर कुछ है तो सोच लो, अनंत अनंत काल पहले कुछ हुआ था वो भी भगवान का एकदम पल भर में भगवान बता दे, याद है। तो कहाँ भगवान है कहाँ मैं हूं, भूत भविष्यत वर्तमान अतीत वर्तमान जो कुछ भी है सब भगवान का नाखून का ऊपर, ये भगवान है। और ये हमारा स्थिति है, बद्ध जीव है, एक चीज भी याद नहीं रहता, ये हमारा स्थिति है। काल अधिका तो सुना, आज पूछो तो महाराज भूल गया, याद नहीं है। ये भगवान है, भगवान का साथ टक्कर लेना चाहे तो मायावादी, ये मायावादी है। कहां भगवान है, अनंत अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, जो कह रहे हैं अर्जुन का, अर्जुन मेरा शरीर का एक देश में अवस्थित ये सचराचर अनंत ब्रह्मांड जो विश्व ब्रह्मांड को दर्शन करो, और जो कुछ भी देखा नहीं देखना चाहते हो को वो भी देख लो, तुम्हारा इच्छा का पूर्ति बना दे। चलो सचराचर जगत जो कुछ भी देखना चाहते हो समस्त अमार एक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप है, एकांशेन स्थित जगत अथवा बहुने तेन अथवा बहुने तेन किंग तेन अथवा अर्जुन विश्वव्याहम इदम सर्व कृष्ण एकांशेन स्थित जगत। इतना जानकारी करके क्या करोगे यूं समझ लो कि एक अंश में मेरा है, एक अंश में एकांशेन स्थित जगत। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यह माने किया जे सचराचर जगत जो कुछ भी दिखना चाहते हो, दिखा नहीं दिखने का इच्छा है तो ये सारे मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है, और जो ऐश्वर्य स्वरूपस्थ अतएव गुराकेश हो, गुराकेश बोल के बुलाया है इसलिए तुमको याद दिला दे कि दर्शन करे टकटकी लगा के, तुम्हारा दर्शन में कोई क्लांति नहीं है, तुम्हारा दर्शन में कोई टायरनेस नहीं है, रिटायर करे महाराज बहुत परिश्रम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है तुम्हारा, तुम तो गुराकेश हो, अभी देख लो, देख लो अभी ये समुदाय हमारा कृष्ण स्वरूप एकादशी, हमारा जो कृष्ण स्वरूप है इतना दिनों से देखते आए हो, दोस्ती बना के कितना क्या कुछ नहीं बोला, मेरा कृष्ण स्वरूप का एक देश में एक अंश में ये सारे दर्शन कर लो। ये चर्चा हुआ था, दर्शन के बारे में चर्चा हुए तो बहुत सारी चीज आ जाता है,
कुरुक्षेत्र युद्ध में जब पराजय जय हो कुछ भी हो ये भी देख लो, पहले ही देख लो, फोरकास्ट करते हम। कार्य कारण ये कहां से आया, कार्य कारण से आया है कार्य है, ये कार्य कारण का एकदम पूरा एकदम छानबीन करके आगे चलते रहो, पीछे ट्राई टू ट्रेस आउट द ओरिजिनल रीजन ऑफ ऑल रीजंस व्हाट इज हैपनिंग हियर। अनंत ब्रह्मांड जो कि चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका आदि कारण क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का यही कारण है। गुराकेश बोल के बोला है क्योंकि आप जीत निद्र हो और बहुत सारे बातें हैं। अब आगे का चर्चा जो 8 नंबर का काल थोड़ा हुआ, ये इसी का अंदर में थोड़ा बहुत सारे प्रश्न आएगा। क्यों भगवान ने ऐसा बोला, न तू मांग सकसे द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षुहु पश्चमे योगमैश्वरम, ऐसा क्यों बताया महाराज? न तू मांग सकसे किंतु ये दृष्टि लेके, अरे जो दृष्टि लेके मेरे को, अरे भगवान आपको तो कोई अगर कहे कि महाराज जो दृष्टि से भगवान को देखा है, भगवान के साथ खेला किया है, कुछ भी किया है, तो ये दृष्टि भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका साइंटिफिक आंसर दिया है, हमने ये बताएंगे। बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर का आंसर, सबसे बढ़िया है ये, इतना बड़ा साइंटिफिक आंसर दिया भक्तिविनोद ठाकुर। भले पहला बात तो ये है, इसका अनुवाद ये है, किंतु तुम जो दृष्टि देके मेरे को देखा है, मेरा साथ मेरा और तुम्हारा अंदर में जो तुम जो मेरे को दर्शन करते आए हैं, किंतु तुम ये चक्षु के द्वारा मेरे को दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, इसलिए मेरे को दिव्य चक्षु देना पड़ेगा। क्या अर्जुन का दर्शन में खोटा है कुछ जो भगवान कह रहे कि तुम मेरा ऐश्वरिक शक्ति का दर्शन करो? क्या संभव नहीं है? जो आंखों से कृष्ण को दर्शन किया जाए, अरे देखो बात ये जरासल ये है, कृष्णो और अर्जुन का अंदर में दोस्ती है, दोस्त है। अच्छा चपाल गोपाल जो है गौर लीला में चले जाए, चपाल गोपाल जो है उसका भी कुछ दर्शन है ना, ये दर्शन का बाद हुआ था ना थोड़ा दूर पहले, चपाल गोपाल का भी दर्शन है, मारो पीटो काटो बदनामी कर दो वैष्णवों का, यही तो दर्शन है उसका। चपाल गोपाल ने ही तो किया था, दारू का भांड है और ओड़ फूल जवा फूल है, चाइना रोज और सारे ये सब देवी पूजन का काली पूजन का सारे धर दिया है। क्यों धर दिया? पर महाराज इसका दर्शन ही ऐसा है, खोटा दर्शन है। क्यों ये इसको को गौरंगों को नहीं देखा? अरे देखा तो जरूर है, गौरंगों को देखा नहीं? अरे गौरंग आता जाता है, गौरंग महापुर आते जाते रहते, गंगा में स्नान सब दर्शन करते रहते, लेकिन इसका नाम दर्शन नहीं है। कम टू द पॉइंट, जो बात को खुलासा किया ना चर्चा करते करते, ये बात आया फिर से, चपाल गोपाल का जो दर्शन है भगवत दर्शन, ये भगवत दर्शन नहीं है, जरासल ये असुर का दर्शन है, राक्षस का दर्शन है। अगर कोई कह दे कि चपाल गोपाल ने भी तो देख लिया भगवान को आते जाते रास्ते पे, कभी मार्केट में जा रहा है, कभी भगवान बाजार में जा रहा है सब्जी लेने, कभी गंगा में जाए, कभी परले निकले जाए, तो देखा नहीं क्या है? कोई देखा नहीं? और देखा तो है, लेकिन ये दर्शन दर्शन नहीं है, ये माया का दर्शन से खोटा बन गया, माया का कृपा से ये दर्शन खोटा बन गया था, ये दर्शन पक्का नहीं था। जब कोढ़ बीमार हो गया था, इतना बदमाशी कोढ़ बीमार हो गया था, टूट पड़े भगवान के चरण में, नहीं तेरे को खमा नहीं करेंगे, आप जा, तेरा अनंत काल ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, कीड़े मकोड़े खा रहे थे शरीर, कुछ भी नहीं हुआ, अभी चल आगे, तेरे को हम खमा नहीं करेंगे। तू शिवास को ऐसा किया, आए आए राम राम, इस कैसा किया?
शंकर भगवान के धाम में गया वाराणसी, उधर से भी ठुकरा दिया। देवी ने बोला अरे प्रलय मचा देंगी, मैं प्रलय मचा दूंगी, ये अगर आए इसको भिरने नहीं दो, भाग गंगा से उल्टा चले जा, वाराणसी के धाम स्पर्श न कर, जा वहां से चले जा। वो भी लौट के आया और कोई रास्ता बचा नहीं, अब एक ही रास्ता है गंगा का किनारे, एक जगह पर के कोर बीमारी और चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ प्रभु, कभी रास्ते में प्रभु मिल गया, अरे बचा लो हमको, आप भी तो आप तो आया हो ना, आपको आए हो जगत में तो सबका उद्धार के लिए। हाँ आई बात समझ में अभी है बदमाश, आई बात समझ में अभी, भगवान आप तो सब कोई को रक्षा करने के लिए आयो, हमको भी बचा, नहीं तेरे को नहीं रखा गया, जा। अब आया पनिशमेंट, मिलते 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 देखो क्या हालत है, बदो जीव का ये दर्शन है। तो ये जो है अर्जुन, अर्जुन पहला बात तो ये है, अर्जुन भगवान को दर्शन कर रहे हैं, भगवान साथ खेला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इच्छा करके भगवान का जोग माया, भगवान का जोग माया इच्छा करके अर्जुन को, भगवान का इच्छा, इच्छानुरूपम अपि चेष्टते सा, है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छैव जस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यत् चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, है ना, इसमें ये तो है पूरा। देखो ऐसा है भगवान का जोग माया, जैसे परीक्षित महाराज, अरे जिंदगी भर गुरु वैष्णव का सम्मान है, जिंदगी भर भगवान का प्यारा है, पांच पांडव का एकदम खानदान में ज्वेल है परीक्षित महाराज, येशो महाभागवत, उसका कैसे गलती हुए, वो कैसे ऐसे कर दिया कि पानी नहीं मिला तो गुस्से में आकर इस, है ना, मरा हुआ सांप को गले में लटका दिया, समीक मुनि का एक कैसे बन गया, ये संभव नहीं है, खुद भी स्वीकार किया, अरे हमसे ऐसा कैसे बन गया, हमसे ऐसा कैसे गलती हो गया, ये संभव नहीं था कदापि। ओ शास्त्रों कारण ने बताया जोग माया का अरेंजमेंट है, खुद भी स्वीकार किया, इसका पनिशमेंट भी, भगवान हमने जो गलती किया, ऋषि मुनि साधु महात्मा का इतना प्यार करते थे कि, लेकिन हमसे कैसे ऐसा गलती बन गया, अब बन गया तो ठीक है ठाकुर जी, मेरे को पनिशमेंट मिल जाए, जैसे कदापि दोबारा ना हो जाए, मैंने गलती कर दिया ठीक है, और गलती कर दिया तो इसका पनिशमेंट चाहिए। और महाभागवत बोला शास्त्र में, जो महाभागवत जिसका खुदा तृष्णा कुछ नहीं है, महाभागवत जो है उसका खुदा तृष्णा कुछ नहीं है, और कैसे, और कैसे परीक्षित महाराज का तृष्णा लग गया, पानी का प्यास लग गया, ये असंभव बात है, ये महाभागवत है। सारे मसला को चिंता करते हुए टीकाकारों ने बताया कि ये परीक्षित महाराज को ठाकुर जी का इच्छा से जोगमाया ने ऐसा अवस्था में पहुंचा दिया ताकि भागवत जी का प्रवचन हो सके, ऐसा स्थिति है। अर्जुन का कोई गलती नहीं है, नरनारायण है, भगवान है, भगवान का दोस्त है वो, लेकिन ये आदमी एक मानव भूमिका में उतारा है, तो मानव भूमिका में उतारा है तो भगवान हैं, जैसे बलराम मानव भूमिका में आए इच्छा करके, भगवान तो ही है। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी किया, गोवत्स हरण हो गया तो तमाम अपना शरीर से निकाल दिया, जितना गोवत्स है, गोश जितना सखा है सब कुछ अपना शरीर से, लेकिन बलराम को पता नहीं चला, किस लिए, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ कृष्णा, कृष्ण का पास एक इच्छा शक्ति है, बाकी सब बलराम जी महाराज का है, कृष्ण का पास एक चीज है वो है इच्छा शक्ति, बाकी सारे बलराम जी महाराज का है, तो कृष्णा की इच्छा नहीं हुई इसलिए बलराम का दर्शन हुआ नहीं, बलराम तो भगवान है, कृष्ण से अभिन्न है। फिर भी एक साल तक, हैरान की बात है, एक साल तक समझ में नहीं आए ये कैसे बात है,
एक साल तक समझ में नहीं आया, बल्लभ जी महाराज जान नहीं पाए जो क्या है ये कृष्ण ही है, समझ नहीं पाए। एक दफे जब गोवर्धन का ऊपर से है एनो ऊपर से ये जो गौ माता जो है ये जो ग्वारिया है चरा है बोले बात का बच्चा, पहले का बच्चा जो है वो आ नहीं सकता, ये अभी का बच्चा जो है वो दूध पीती है पीता है दूध है ना, लेकिन वो पहले का बच्चा वो हुंकार लगा के आ गए सामने, अभी ब्याई हुई जो है वो नहीं कर रहा, उसको छोड़ के उसको दे रहा है, क्या बात है। तब हैरान की बात है बलराम, बोले कैसे संभव है, हैं किसी का माया मेरे को है मेरे को बुका नहीं बना सकता, अब देखे तो सही, जब आंखें मूंद कर चिंता किया तो भगवान का भगवत्ता तो है ही है, ये जुगमाया का ये लीला है, अरे ये तो कृष्ण है सारे, तमाम सारे कृष्ण है, हा महाराज तमाम कृष्ण है, गो बछरा कृष्ण है, गो माता जितना ग्वारिया सारे कृष्ण है, ओहो इसीलिए मेरे इसको समझ में नहीं आया। अब जब बदमाश जो है असुर जो है ये किसका नाम क्या है भूल गया, वो जो मथुरा का और जब खेल कूद हुआ था ना अरिष्यासुर क्या बताते भूल गया उसका नाम, वो क्या किया बलदाव जी महाराज को एबडक्शन कर रहा था, उठा के एकदम ले जा रहा था और खेलकूद हो रहा था, जो हर जाए वो जो जीत जाए उसको कंधे पे लेगा लेके हटेगा डोलेगा। अब बलराज जी महाराज जीत गया, बलराज जी महाराज को कंधे पे लिया वो असुर और दौर लगाया मथुरा का, अरे क्या क्या कर रहे हैं ये दौर लगाऊंगा ये खेलने का बात है। अब बाद में बल्लभ जी महाराज ईशत अत्रशत लिखा हुआ है भागवत में, बल्लभ जी महाराज के बारे में लिखा हुआ है ये तो मैंने ये दर्शन करके बल्लभ जी महाराज ईशत अत्रशत अत्रशत माने सामान्य भयभीत हो गया, अरे इसे कैसे कहां ले यार। बाद में बल्लभ जी महाराज आदे मैं तो बलराम हूं अनंत ब्रह्मांड का मा, एक लगाया मुक्का एकदम माथे पे चकनाचूर होके एकदम उधर गिर गया। तो दर्शन का जो बात हो रहा है ऐसा ही है, अर्जुन मानव भूमिका में आया इच्छा करके, ये मानव भूमिका में जो दर्शन का जो क्षमता है भगवान का कृपा से भगवान का दर्शन तो हो ही रहा, लेकिन फिर भी मानव भूमिका में होने के नाते ये अप्राकृत जगत का जैसे सर्वम भट्टाचार्य को जब भगवान दर्शन दे दिया, ये सर्वम भट्टाचार्य दर्शन नहीं कर पाए, एकदम गिर गए एकदम बेहोश होके एकदम टूट पड़ा, और भगवान ने स्पर्श किया, क्या हुआ सर्वम भट्टाचार्य क्या हुआ तुम्हारा, धीरे धीरे आंखें में पानी छिटका देते 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 आंखें खुला, हैरान हो गया। हाँ ऐसा ही है, बद्ध जीवों का दर्शन का क्षमता नहीं है, भगवान दर्शन दे सके फिर भी दर्शन का क्षमता नहीं, ये हो सके ऐसा हो सकता, भगवान का सब प्रकाशता शक्ति जैसे रथ यात्रा में हर आदमी सोचता है कि भगवान मेरा ग्रुप में नृत्य कर रहा है कीर्तन कर रहा है, सात संप्रदाय में चल रहा है, ये जो वैभव है ये सर्वम भट्टाचार्य जो इसको समझ में आया और राजा को दर्शन दिया भगवान का जोगमाया इच्छा करके भगवान का इच्छा के अनुसार, ये भगवान का इच्छा के अनुसार होते रहते हैं जो भी। अब हमारा भक्तिमोहन ठाकुर जो है, भक्तिमोहन ठाकुर का कहना है कि तुम मेरा भक्त हो, भक्त कैसे बोले स्वाधि मम तम प्रपन्यम, आर कृष्ण तो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो गुरु शिष्य का संबंध कैसे ठुकरा दोगे, है तो गुरु शिष्य का संबंध है ही है ना, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो तुम जो है मेरा भक्त हो इसीलिए तुम्हारा निरुपाधिक चक्षु के द्वारा
हमारा कृष्ण स्वरूप दर्शन हुआ करता है। समझा क्या बात? भक्तों तो कह रहे तुम मेरा भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा निरुपाधिक चक्षु के द्वारा हमारा कृष्ण स्वरूप का दर्शन होते रहता है। लेकिन हमारा जोगेश्वर जो मय जो स्वरूप, ये संबंधिक भावगत हो, ये रिलेशन है, इसमें लिंक है। लेकिन मेरा ये जोगेश्वर जो मय प्रभावशाली जो स्वरूप जो है, मानव आकार नहीं है, ये निरुपाधिक चक्षु के द्वारा दर्शन का विषय नहीं हो पाता। ये निरुपाधिक चक्षु के द्वारा ये दर्शन का विषय नहीं हो पाएगा। भक्तिमठ कह रहे कि जड़दर्शी स्थूलो चक्षु भी वही रूप, अगर किसी का जड़ दर्शन है वो भी दर्शन नहीं कर पाए, जैसे जैसे चापाल गोपाल दर्शन नहीं कर पाए। जड़दर्शी स्थूलो चक्षु के द्वारा अमार ईश्वर स्वरूप लक्ष्य करते पारे ना, दर्शन करना संभव नहीं। निराप निरुपाधिक दर्श चक्षु के द्वारा भी दर्शन नहीं होता, और जड़दर्शी कोई अगर जड़ मानव है जिसका जड़ दर्शन है, मेटेरियलाइज है, इसका द्वारा तो कदापि संभव नहीं। ऐश्वर्य स्वरूप वैभव में ये जो स्वरूप दर्शन, ये संभव नहीं है महाराज। आज भक्तिमय ठाकुर क्या समाधान किया, लाजवाब भक्तिमय ठाकुर ने क्या समाधान किया। देखो भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कि जो चक्षु शोपाधिक उपाधि रहित नहीं है, जो दर्शन शोपाधिक उपाधि मतलब मैं अर्जुन हूं ऐसा भाव लेके दर्शन, तुम कृष्ण हो, ये शोपाधिक दर्शन, आर परमंश गुरु वैष्णव का दर्शन है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, ये आर शोपाधिक दर्शन। भक्तिमय ठाकुर का समाधान लाजवाब समाधान है। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं इतना सुंदर समाधान किसी ने दे पाया। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कि शोपाधिक उपाधि सहित जो दर्शन, जे चक्षु शोपाधिक किंतु स्थूलो न है, यही बात समझ में, ध्यान से विचार करके कोई दूसरा चिंता में उलझ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, पूरा कंसंट्रेशन देना चाहिए। क्या भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं, दूसरा चिंता में लगे रहोगे तो समझ में नहीं आएगा, बड़ा गंभीर विषय है। जरदर्शी स्थूलो चक्षु, जरदर्शी जड़ दर्शनकारी स्थूलो दर्शनकारी कोई दर्शन नहीं कर सकता, और निरुपाधिक तुम्हारा जो चक्षु है इसके द्वारा भी संभव नहीं है, तो क्या बोलना चाहते हो? भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं जो चक्षु शोपाधिक उपाधि रहित नहीं है किंतु फिर भी वो स्थूल मेटेरियल दर्शन नहीं है, ये कैसा बात, देखो कैसा गंभीर विषय है। पहला विषय है जो जो चक्षु है शोपाधिक, तुम अर्जुन तुम मेरा भक्त, ये शोपाधिक दर्शन, और किंतु स्थूल नहीं है फिर भी मेटेरियल नहीं है, फिर भी मेटेरियल नहीं है, मेटेरियल होने से मेरा ऊपर तुम्हारा प्यार होना संभव नहीं होता। मेरा तो प्यार है, मोहब्बत है तुम्हारा साथ, बहुत सारे दोस्ती है, तो मतलब ये स्थूल तो मेटेरियल दर्शन ऑब्वियसली नॉट मेटेरियल दर्शन, ऑब्वियसली अर्जुन हैज नो मेटेरियल दर्शन, इज श्योर। इसी दर्शन का नाम भगवान ने बोल दिया दिव्य दर्शन, दिव्य धातु, शोपाधिक किंतु स्थूलो मेटेरियल दर्शन नहीं है, ऐसा तुमको दर्शन का क्षमता हम दे देंगे। जो स्थूल दर्शन तो नहीं है लेकिन शोपाधिक किंतु सूर्य, तुम अर्जुन हम मैं देख रहा हूं ऐसा करके ही देखोगे, नहीं कि दृष्टो दर्शा दर्शन सब एकाकार हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा शोपाधिक दर्शन नहीं है तो दृष्ट द्रोष्टा दर्शन दृश्यो सारे एकाकार हो जाएगा, ये होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि तुमने बाधा किया ना, हम देखना चाहते हैं ये बोला ना तुमने, तो ये बोला देखना चाहता हूं तो हमको क्या करना चाहिए, हम तो एक तरफ से तुमको शोपाधिक दर्शन का इरादा पूरा करना है,
or at the same time I will have to make it sure. At the same time I will have to make it sure that your darshan is not at all material darshan. आई बात समझ में? इसका नाम ही दिव्य दर्शन, स्पेशल दर्शन जो भगवान अर्जुन को देना चाहे. ये दिव्य चक्षु तुमको मैं देना चाहता हूं, इसके द्वारा मेरा ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कर लो. ये दर्शन किसी का नहीं हुआ करता है. युक्तिवादी लब्धो दिव्य चक्षु, युक्तिवादी जिसका अभी में अंदर में युक्ति है, रेशनलिटी है, युक्तिवादी लब्धो दिव्य चक्षु व्यक्तिगण अमार निरुपाधिक कृष्ण स्वरूप अपेक्षा सोपाधिक वैश्वर रूपे सहजी प्रतिलाभ करें. क्यों बोले? इसीलिए कि निरुपाधिक सचक्षु निमिलित तो था कि उन्मोचन हो जाता है. अब ऐसा करके समीक्षा बनाया इस श्लोक का, बड़ा जबरदस्त श्लोक है, जवाब भरा जबरदस्त श्लोक है. न तू मांग सकसे द्रष्टुम अनन्नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यो मे योगमेश्वरम. जब दर्शन का बाद आया है, विश्वरूप का दर्शन आया है, तो चारों ओर से दर्शन का ये विचार करना जरूरी है. जरूरी इसलिए है क्योंकि एक बार तो विश्वरूप दर्शन ऐसा नहीं है. हम लोग को मालूम है, ना कैसे कैसे चैतन्य चैतन्य भागवत में भी है. एक दिन गौर सुंदर, एक दिन अद्वैत प्रभु को, अद्वैत प्रभु ने भगवान का विश्वरूप दर्शन का इच्छा प्रकट किए और अद्वैत बोले प्रभु पूर्वे अर्जुन रे, बंगला बंगला इसमें बंगला है चैतन्य भागवत में, अद्वैत बोले अद्वैत कह रहे हैं प्रभु पूर्वे अर्जुन रे जहाँ दिखाई दे तहा इच्छा बरो करे, बोलिते अद्वैत मात्र देखे एक रथ चतुर्दिके सैन्य दले महायुद्ध पथ, रथेर ऊपर देखे श्यामल सुंदर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, अनंत ब्रह्मांड रूप देखे सही खने चंद सूर्य सिंधु गिरी नदी उपबने, कोटि चक्षु बाहु मुखो देखे पुनः पुनः सन्मुखो देखे स्तुति, सन्मुखे देखे स्तुति करे अर्जुन. है ना, चैतन्य भागवत पढ़ा नहीं है इसमें? अर्जुन एकदम यदि हमारा अद्वैत गोसाई ने इच्छा प्रकट किए भगवान के सामने, अर्जुन को जो रूप दिखाया मेरा भी इच्छा कर रहा है. कहते कहते सामने अद्वैत गोसाई देख रहे कुछ नहीं है, एक रथ है, रथ का उपास श्याम श्याम सुंदर सवार है, अर्जुन है, प्रश्न कर रहे हैं, चारों ओर से सैन्य समागम है और युद्ध का तैयारी में है, रथ के ऊपर बैठा हुआ है और चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, और इसका साथ साथ देख रहे हैं भगवान का शरीर का एक अंश में अनंत ब्रह्मांड रूप देखना शुरू कर दिया, चंद्र सूर्य ग्रह तारा सिंधु नदी उपवन, अरे सब कुछ है, कोटि कोटि चक्षु कोटि बाहु कोटि उरु, अरे क्या दिख रहा है सन्मुखे, भगवान ने दिखा दिया और अद्वैत ख्वाहिश पूरा कर दिया. नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी है, नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया प्रभु अभी अद्वैत भवन में अद्वैत को विश्वरूप दिखा रहे हैं, भगवान नित्यानंद बलराम है. कहाँ होगा भगवान उसी समय में? शायद भगवान भगवान बलराम ये किसी का घर में होगा नजदीक, किसी का घर में मतलब शिवास का घर में होगा, नहीं तो ऐसा जल्दी आ गया नित्यानंदो अंतर्यामी समझ गया कि अभी भगवान अद्वैत को विश्वरूप दिखा रहे हैं, चलो हम भी जाए, दौड़ के आया है, छलांग लगा के आया है, ये नजदीकी है शिवास आंगन और ज्यादा दूरी नहीं है, और नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी रूप से समझ गया, जब समझ गया तो जल्दी आ गया.
और विश्वरूप दर्शन करना शुरू कर दिया। प्रभु 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 ऐसा चिल्लाते चिल्लाते स्तुति करना शुरू कर दिया। दो दो जना, दो जना मतलब अद्वैत गोसाई और नित्यानंद प्रभु, विश्वरूप देखिए आनंदमन। और इन लोगों का जो दर्शन है ये संपूर्ण अलग, समझा? ये दर्शन का साथ अर्जुन का दर्शन एक नहीं है। इतना सारे एक खुलासा किया, अभी समझ में आया तो ठीक है। क्यों एक नहीं है, क्यों एक होगा बोलो? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, भगवान है। आर महाविष्णु जगत कर्ता माया जो श्रीयति अदह तस्वतर एवं अद्वैत आचार्य ईश्वरा। ये अद्वैत साई भी महाविष्णु जगत कर्ता, तो ये दोनों का दर्शन है। ये तो अलग सा, ये तो अलग सा, भगवान इच्छा प्रकट किए तो दर्शन कर दिए, दर्शन करा दिया। और यहां कुछ मसला आता है, ये मत प्रदत्त शक्ति संपन्न चक्षु द्वारा हम तुमको स्पेशल शक्ति दे रहे हैं, तुम्हारा चक्षु का स्पेशल पावर दे रहे हैं। मत प्रदत्त शक्ति संपन्न चक्षु के द्वारा ईश्वर रूप दर्शन करो, क्योंकि आम आदमी का क्षमता नहीं है। आम आदमी का सामने भगवान दर्शन कर दे, उसका जो प्रभाव है ये सह नहीं पाता। सरेश्वर जो वर्ण भगवान सोलो कला, बंगाली में संस्कृत में बोला सोला कला, सोला कला पूर्ण भगवान सामने आया है। बद्ध जीव इतना इतना वीक है, इतना वीक है, भगवान सामने आ जब फेंट होके पड़ जाएगा, गिर पड़ेगा, दर्शन नहीं कर पाएगा ना। इतना प्रभाव है भगवान का, वो कैसे देखते रहे? जैसा सर्वभौम सर्वभौम का बताया था ना, तो देखते देखते सर्वभौम एकदम देख नहीं पाए। भगवान प्रकट भये सर्वभौम रूप में, बात तुरंत एकदम फेंट हो गया, सेंसलेस हो गया। क्षमता नहीं है बद्ध जीव भगवान का दर्शन करे, संभव नहीं है। जो भी है, अभी सोचो कि आगे आएगा ये सब विषय। ये जो इतना प्रभावशाली जो दर्शन है, विश्वरूप है, जिसमें सारे सारे अनंत ब्रह्मांडों का चांद सितारे जितना सारे हैं, सूरज चांद सितारे सब कुछ है, अनंत ब्रह्मांडों का सारे वस्तु एक आधा, कैसे संभव है बोलो? बद्ध जीव का दर्शन का पावर कितना है कि ये देख लेगा? जब भी भगवान ने गुराकेश बोलकर थोड़ा थोड़ा बढ़ावा किया, फिर भी है तो अर्जुन मानव भूमिका में है। और इतना देर तक तो माधुर्यो का रूप, माधुर्यो रूप दर्शन किया, जो हम विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन चिल्लाते रहे ना, भगवान का विश्वरूप देखते देखते अर्जुन फैन पागल बन गया, चिल्लाते रहे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ प्रसिद्ध प्रसिद्ध, है ना, बस करो, अब दर्शन का क्षमता नहीं, हम देख सहन नहीं कर सकता। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, जो चतुर्भुज रोग रूप हम देखते आए हैं, दो भी रूप, यही दर्शन ठीक है, इसी को दिखाओ। अब कोई कोई टीकाकारों ने ऐसा भी बताया कि देखो महाराज, जिसका क्षमता है इन जो सीतापल, सीतापल जानते हो? सीतापल जानते नहीं हो? अरे कैसा गौड़िया भक्त हो भाई, सीतापल कीर्तन में भी जो है, नाशय अविद्या मूलो सीतापल जन्म नाशय अविद्या मूलो, जैसे जॉन्डिस होने से ये बड़ा मिश्री, जैसे पहले आँख को इसको मशीन में घुमाया गया, जूस निकाला, उसके बाद गुड़ निकाला, गुड़ से एक्सट्रैक्ट करके चीनी निकाला, मिश्री निकाला, सीताखंड निकाला, सीतापल बहुत ऊंचा किस्म का, इतना प्योर है, इतना कीमती है, ये छोटा सा पैकेट का दाम बहुत कीमती है, बहुत फिल्ट्रेशन का जरूरी है, प्रोसीड्योर है। तो ये जॉन्डिस रुगी के लिए, जॉन्डिस है जो नेवा रोग है, जॉन्डिस है पीला रोग है ना, उसके लिए बड़ा कामयाबी दावा है, बहुत जबरदस्त दावा है। तो कई कई
टीकाकारों ने ये चर्चा किया कि महाराज अर्जुन अर्जुन सीतोपल खाने का आदमी है, उसका सामने वो माधुर्य रूप देखते रहे, मिठास को चाखते रहे आंखों के द्वारा हैं देखते रहे, और कैसे देखे भयावह रूप, गुड़ कैसे खाए जैसे जैसे गौ माता को दिया जाए ना चीटा गुड़, एकदम सबसे राब गुड़ है मार्केट में, जिसका ऊपर टट्टी पेशाब करता है ना हैं कौन बोले चूहा फुआ आता है टट्टी पेशाब कर जाता है, ये गुड़ एकदम क्रूड, ये गुड़ कैसे खाए, जैसे मधुमक्खी जो है मधु खा सकता है, उसको टट्टी में बैठा है, अरे महाराज छोड़ दो मेरे को, संभव नहीं है। ऐसा किसी किसी ने ऐसा उदाहरण दिया, फिर भी ठीक है, हम चर्चा किया बहुत सारे खुलासा किया ऐसा चर्चा। जो भी है भगवान का ये कहना है कि मत शक्ति प्रदत्त, मेरा शक्ति संपन्न चक्षु के द्वारा मेरा ऐश्वर्य रूप ये महामहिम महा विशाल अनंत रूप हरि अनंत ये दिखने का हिम्मत नहीं हो पाएगा। चक्षु का तो लिमिटेशन है ना, चक्षु का लिमिटेशन है, इसलिए होगा नहीं, इसलिए मैं अलाक्षा शक्ति दे रहा हूं और तुम दिखना शुरू कर दो। अभी ये दिव्य चक्षु प्रदान का बातें भगवान खुद कहे, अर्जुन पहले विश्वरूप दर्शन विस्मित हो गया, अर्जुन विस्मय हो गया ना, पागल हो गया, विस्मय नहीं भयभीत हो गया, विस्मय बोलने से कमी है, अर्जुन भयभीत हो गया, अर्जुन इतना भयभीत हो गया कि बस करो चिल्लाना शुरू कर दिए। अर्जुन पहले पहले तो इच्छा प्रकट किए, विश्वरूप दर्शन विस्मित हो गया, उसका बाद भयभीत हो गया, और इसका बाद परवर्ती समय में सच्चिदानंदमय द्विभुज रूपी सर्वोपरि तत्व यही समय आया। देखने का तो इच्छा प्रकट किया, भगवान दिखा दिया, लेकिन पहले ये कंक्लूजन में आया, अर्जुन का ये कंक्लूजन आया, चलो बस करो भाई खूब हुआ। ये द्विभुज जो है भगवान का सच्चिदानंदमय, ये सबसे बड़ा चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, यही दर्शन करते रहेंगे। अरे बाप रे बाप, तेने युवे रूपे न चतुर्भुजे न, अरे भगवान क्षमा करो बस करो बंद करो, हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ, हे जगन्नाथ जगदात्मा आप क्षमा कर दो बंद करो, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और दर्शन करने का नहीं, नहीं हो गया बस। अब चक्रवर्ती बात विश्वनाथ चक्रवर्ती बात तो मैंने बहुत सुंदर इसका चर्चा भी टिप्पणी की, और इसका चर्चा करने में समय लगेगा, इसका चर्चा करने जाए तो बहुत समय लगता है, आ तो एक श्लोक का चर्चा में लग गया दो तीन घंटा, दो अढ़ाई दो घंटा, संभव नहीं है, इतना जल्दीबाजी कर तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप एक काम करो, गीता गीता खोल लो, गीता के पढ़ते चलो, बस हो गया गीता पाठ है। गीता का जो दर्शन है गोपन दर्शन, इसका जो गोपन दर्शन है गुप्त दर्शन, चर्चा करने में समय तो लगता है, और क्या काम है हमारा, तो काम ही है श्रवण कीर्तन करना, और क्या, नौकरी चाकरी तो करेंगे नहीं किसी का, गीता दर्शन है गोपन दर्शन है आश्चर्य दर्शन है। और अर्जुन कैसा दर्शन कर रहे हैं, चक्रवर्ती पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताया, गौड़ीय दर्शन में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद नाम आता है, अरे बाप रे बाप कैसा सुंदर दर्शन, आहा। अब बोले कोई अगर आम आदमी अगर समझ ले कि अर्जुन जैसे मैजिक होता है ना पीसी सरकार का, हाथ से कट लिया गर्दन को, अरे महाराज मार दिया लड़की को है, गर्दन काट के इधर फेंक दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कोई अगर सोच जाएगा इट इज वन काइंड ऑफ मैजिक स्पेल, नॉट दैट। इसी स्वरूप को अगर कोई सोचे इंदु अर्जुन का तरफ से अगर ये सोचा जाए कि ये एक मैजिक स्पेल है, ये इंद्रजाल है मायामय,
ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान जब दिखा रहे हैं, भगवान का खुद का रूप है अनंत रूप, इसमें माया कैसे आए? क्योंकि इंद्रजाल का अरे महाराज इंद्रजाल का माने क्या है ये बताओ। इंद्रजाल मतलब मैजिक जो है, इसका माने क्या है? इसका माने क्या है ये बताओ पहले। इंद्रजाल का मतलब है आपका जो नॉर्मल दर्शन है, मेटेरियल दर्शन, इसको इसको छुपा के आपको सुपरफ्लूअस कुछ दूसरा चीज दिखा दो, इसी का नाम है मैजिक है। मैजिक तो ये है ना, मैजिक मतलब आपका जो स्वाभाविक मेटेरियल दर्शन है, इसको चुकलीबाजी करके ऐसा दर्शन में लाओ कि ये हैरान हो जाएगा, यही तो मैजिक है ना। अगर ये सोचा जाए कि भगवान ने अर्जुन को मैजिक दिखा दिया, ये ठीक नहीं, अन्याय है, ये अपराध है, मायावादी का विचार हो जाएगा। अरे दूसरा कोई तो दर्शन नहीं दिया, ये कोई इंद्रजीत, रावण का पुत्र इंद्रजीत जो है, वो जो है ये सब जो है इसका मैजिक है, इसका जो है ये जो लक्ष्मण सदा युद्ध कर रहे हैं इंद्रजीत, इसमें मैजिक स्पेल है, समझा मेरा बात। और अर्जुन का ये भगवान श्री कृष्ण का जो दारिका धाम, इसको आक्रमण किए दंत वर्क ने, ये इसका दोस्त भी आया, सब जो है ये सब मायामय दर्शन है, मायामय। लेकिन भगवान जब खुद ही विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं, भगवान जब खुद कह रहे हैं कि तमाम वस्तु में मैं ही हूं, मैं छोड़ के कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में मैं हूं, अब मेरे को तुमको दिग्दर्शन दे रहा हूं, ऐसा अगर विचार बनाया तो इसमें कैसे कह सकता है कि ये इट इज वन काइंड ऑफ मैजिक स्पेल, ये अन्याय है, अपराध है, जब खुद भगवान कह रहे हैं, खुद भगवान कह रहे हैं, तो मैं दिखा रहा हूं कि भगवान क्या मैजिक दिखाएगा क्या, पीसी सरकार जैसा? ना 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 ना, ये अन्याय है ये सोचना। ये जो है इसको इंद्रजाल मैजिक समझना ठीक नहीं है। विश्वनाथ चतुर्वेदी इसको भी समझना चाहिए कि सच्चिदानंदमय जो दर्शन कर रहा है विश्वरूप, ये भी मेटेरियल नहीं है, भगवान खुद दिखा रहे हैं और सब में अपना उपस्थिति इनो जाहिर कर रहे हैं, खुद भगवान कर रहे हैं मैं सब में हूं। तो इसी दर्शन को कभी भी मायामय दर्शन या मैजिक नहीं बोला जाएगा, ये सच्चिदानंदमय दर्शन ही होगा, सच्चिदानंदमय दर्शन ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा दिखा दिया तो कैसे हो सकता सच्चिदानंद, ना भगवान विभु वस्तु है, विभु रूप में भी भगवान सच्चिदानंद, भगवान जो श्याम सुंदर रूप में आए सामने वो भी सच्चिदानंद रूप है, जब बाल गोपाल बन के आए उदम मचाए तो भी है बच्चा ही है, बच्चा है तो क्या है, ये भी सच्चिदानंद रूप है। किसी भी हालत में भगवान जाए, किसी भी हालत में कि भगवान का सच्चिदानंद मयत्व, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल ने जो शरीर है अपरागित सच्चिदानंदमय, ये कभी इसका ये बिगाड़ते नहीं है। भगवान बच्चा रूप के आए, मेरे को भूख लगाए, दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, लड्डू दे दो, कुछ भी कहे, इसके द्वारा भगवान का सच्चिदानंदमय रूप का कोई घाटा नहीं होता। पुत्र ना आए पकड़ के ले जाए तो वो ठीक है, फिर भी वो सच्चिदानंदमय है, परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान स्वयं, चाहे बाल गोपाल है, चाहे बच्चा है, मासूम बच्चा है, फिर भी उसका अंदर में पर ब्रह्म परात्पर पूर्ण प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं कि कमी है। इसीलिए कृष्ण लीला में इतना माधुर जो है कि बच्चा है, बच्चा है फिर भी कर दिया पुतना का नाश, बच्चा है फिर भी नाश कर दिया इनो सब ये को त्रिनावर्तों को, बच्चा है तो बच्चा सकोटा सुर को नाश कर दिया, बच्चा बच्चा पैर है छोटे ने एकदम एकदम हरा हरा पैर है, एक लात लगाया और वो जो सकट है वो जो गोमा वो जो इनो ठेला गाड़ी है ना जुगाड़ है वो ऊपर में चला गया, ऐसा नादान बच्चा एकदम छोटा छोटा कच्ची कच्ची पैर है
एक लात लगा टुक टुक से, जैसे जैसे इसमें होता है ना जो क्या कहते हैं कैरम बोर्ड में, थोड़ा सा स्ट्राइकर लगा दी टक से और चला गया एकदम ऊपर। कहाँ चला गया रे सकटासुर, ऊपर ऊपर पलट 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 झपक के ऊपर लेकर नीचे दम। ती बच्चा तो है ही है, इसीलिए कृष्ण लीला में इतना माधुर्य है कि माधुर्य इसलिए है इसको प्रबल, इसका पूरा पावर को प्रकट करके आए चलो अभी युद्ध कर लेंगे, तुम क्या है मैं क्या है तू तू मैं करने का दरकार नहीं है, बच्चा है इसमें हो जाता है कम। इसीलिए माधुर्य है कृष्ण लीला का, इतना माधुर्य है बच्चा में ही सब कर देते और सबको हैरान हो जाते, अरे इतना बड़ा पेड़ है वो एक मासूम बच्चा कैसे फेंक दिया, अरे अनेनो ये बच्चा नहीं गिरा या हक हो सकता कि पागलपंती एक बच्चा है ये कैसे गिराएगा इतना बड़ा पेड़ दो है। जमाल अर्जुन भिक्षु के ऊपर, अरे महाराज हमने देखा ये नहीं गलती बेकार है ए? जब जब हमारा नंद बाबा ने पूछा अच्छा बच्चा कहो तो कैसे गिर गया, ऐसा कोई वायु नहीं है कोई वज्रपात नहीं है कुछ नहीं है, दोनों पैर ऐसे कैसे, इतना बड़ा पैर है इतना ताकतशाली पैर है कैसे, बोले ये बच्चा नहीं गिरा दत्त, हो सकता है कि मासूम बच्चा है, इसी का नाम माधुर्य है। अरे हैरान की बात है बच्चा है इसी पेड़ का नीचे कुचल जाता, हाय 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 भगवान ने रखा गया, कृष्ण भगवान नहीं है हाँ भगवान ने रखा किया, अरे बच्चा तो कुचल जाता इसका अंदर में, भगवान का शुक्र है तो बच्चा बच गया है, उसका पूजा करेंगे दान दक्षिणा देंगे ब्राह्मण को, ब्राह्मणों को बुलाओ, भगवान का शुक्र है बच्चा हमारा बच गया, ये है दर्शन है माधुर्य दर्शन है। माधुर्य में ऐश्वर्य नहीं है ऐसा नहीं है, माधुर्य का अंदर में ऐश्वर्य नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु दिखता नहीं, इतना इतना ओवरलैपिंग है प्रेम, प्रेम का इतना प्रभाव है जिसमें ये ऐश्वर्य दर्शन टिकता नहीं, ये बात है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य का अंदर में माधुर्य का अंदर में ऐश्वर्य नहीं है ऐसा नहीं है, है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, इतना पावर है प्रेम का तमाम चीज को फीका बना के एकदम अपना ऊपर एकदम चढ़ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दे विश्वनाथ चतुर्वेदी भाई, बहुत सारे कहना है इस बीच में मैं कह दे, जैसे बच्चों ने बताया कि बलदाव जी महाराज भी बताया भैया ने मट्टी खाया है, मृत भक्षण माटी खाया, अरे क्यों माटी खाया अरे खाना नहीं है क्या, बल्लाव जी बोला हाँ खाया है माटी, ना माटी नहीं खाया मैंने, बल्लाव कह रहे खाया है, किसी बोल रहा है अच्छा खाया है तो देख लो मेरा मुख देख लो, वो बोल रहा है ये बोल रहा है ठीक है अपना अपने खोद देख लो मेरा मुख में, अब जो हाँक जो मुख को खुला है तो हैरान होकर रह गई पागल बन गई, जसोदा मैं ये क्या देख रहा हूं अनंत ब्रह्मांड है सारी दिखाई पर चांद सितारे सूरज, ये बच्चा का अंदर में कैसा आ गया, ये ठीक नहीं है, मैं खुद को भी देख रहा हूं अंदर में ये कैसा है, भूतों ने पकड़ा है, हरी राम 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 भूतों ने पकड़ा है, जल्दी बुलाओ ब्राह्मण को इसको शांति स्वस्ति वाचन कराओ, ब्राह्मण को दान दो बच्चा मर जाएगा, हाय हाय कैसे हो गया, क्या जसोदा मैया का विश्व ब्रह्मांड दर्शन खोटा था क्या, था सही दर्शन था, फिर भी प्रेम का मारे ये समझ में नहीं आए, प्रेम का स्वभाव है ये, प्रेम का ये स्वभाव है चाहे बच्चा हो फिर भी मेरा बच्चा, चाहे किसो कितना बड़ा हो गया कुरुक्षेत्रों में आया था सूर्य पराग, अरे मेरा बच्चा है गोदी में लेके रोया है, रोया है ना, है तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया इतना बड़ा कृष्ण, फिर भी गोदी में लेके स्तन दिया प्यार किया लाड प्यार किया इतना, यही प्रेम का स्वभाव है। तो ये दर्शन में ये तरह तरह का दर्शन है, अभी बहुत सारे दर्शन बाकी है चर्चा इस विषय को लेकर आगे चल के हम करेंगे, अब आज तो समय नहीं मिलने वाला,
बड़ा मीठा है सब चर्चा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, अगर कोई अगर सोचे से स्वरूप जी अतीन्द्रिय बोलिया विश्वास करे, हाँ भगवान क्यों ऐसे शुरू किया, न तू ये जो है ना, न तू मान सक से, ये न तू का बड़ा बड़ा असर है। ये पूरा जो श्लोक है इसका अंदर में न तू इसको देके शुरू किया, क्यों किया। विश्वनाथ को तो कहते हैं कि ये अगर अर्जुन समझ लें कि ये मैजिक स्पेल है, ये न समझे सर्व जगत जिसका अंतर्भुक्त है, ये भगवान ने दर्शन दे रहे विश्व सच्चिदानंदमय और सर्व जगत अनंत ब्रह्मांड जिसका अंतर में है, अंतर वहिष्ठ जगतम जगत चय हो जो है, ये जो है सर्व जगत जार अंतर्भुक्त, आज जिस स्वरूप सही स्वरूप जिस स्वरूप है जो अतीन्द्रिय बोलिया विश्वास कराई बार जन्नो, अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए कि अतीन्द्रिय अर्जुन को पहला बात यह है कि अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए कि ये आंखों के द्वारा संभव नहीं है, ये अतीन्द्रिय सुपर नेचुरल, ये आंखों के इसी को विश्वास दिलाने के लिए हैं ऐसा बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती, न तू ऐसा बताया, देख शुरू किया उसका बाद बताया आगे चलकर अने नैव प्राकृत सचक्षुषा निज चक्षु द्वारा मान चिद घन कार अमा के द्रष्टुम न सकसे, मेरा जो चिद घनाकार, मैं जो चिद घनाकार मेरा जो स्वरूप है, ये सचक्षुषा निज चक्षु के द्वारा अने नैव चक्षुषा ये दर्शन संभव नहीं, इसीलिए इसको विश्वास दिलाने के लिए ये सुपर नेचुरल अप्राकृत इसलिए बताया, और इसलिए बताया कि तुम ये मेरा स्वरूप को दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, चलो दिव्य दर्शन अप्राकृत चक्षु मैं दे रहा हूं, जो चक्षु प्राकृत जगत में मिलता नहीं वो चक्षु के द्वारा ही ये सब दर्शन हुआ, तो इसीलिए अप्राकृत चक्षु सही चक्षु के द्वारा ही दर्शन करो। प्राकृतो नर प्राकृतो अर्जुन का जो अभिमान है, मैं योद्धा हूं, मैं अर्जुन हूं, मेरा गांडीव है, अस्तो ये जो है प्राकृतो नर अभिमानी अर्जुन को किसी भी हालत से चमत्कार दिलाने के लिए जैसे चौंक जाए, उसका अंदर में अभिमान है, मेरा मापिक योद्धा कोई नहीं है। प्राकृतो नराभिमानी अर्जुन को चौंकाने के लिए, चमत्कार मिलाने के लिए कुछ ऐसा कुछ देखो जिससे चमत्कार हो जाए तुम्हारा, जेतु जिस क्यों किस कारण है, ये तो अर्जुन भगवान का मुख्य पार्षद, भगवान का दोस्त है, भगवान का पार्षद है, नर अवतार नर रूप में अवतार हुआ, साक्षात नर रूप में अवतार तो हुआ जरूर, नर रूप में अवतार तो हुआ, नर रूप में नर अवतार बोलिया प्राकृतो नरेर नय, ये समझ नहीं लेना, अगर कोई सोचे कि नर रूप में अवतार हुआ है जो इसका मतलब है हमारा मापिक दर्शन ही होगा, कोई अगर सोच ले, इतना हंगामा मच रहा है इस शब्द लेकर, कोई ऐसा तो नहीं है कि मेटेरियल दर्शन जो आदमी का हुआ करता है ऐसा मापी की दर्शन होगा, नहीं 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 ऐसा नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन भगवान का मुख्य पार्षद है, नरावतार नर रूप में अवतार हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतो नर का मापी प्राकृतो मेटेरियल आदमी का मापिक इसका चक्षु भी मेटेरियल दर्शन है, ऐसा नहीं। दूसरा तरफ से विचार किया जाए, जो व्यक्ति दूसरा तरफ से विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, अगर ऐसा युक्ति मान लिया जाए, किसी उल्लू ने ऐसा बताया, अगर ऐसा युक्ति मान लिया जाए तो कैसे संभव है, कैसे
दूसरा तरफ से तर्क दिया जाए तो दूसरा तरफ से अगर तर्क उठाया जाए, किसी ने उल्लू का मापी कैसा विचार बना दिया, ये सही नहीं है। अगर तर्क उठा जाए तो इसका विचार ये है, दूसरा पक्ष लेके विचार करे, जो अर्जुन अपना चक्षु के द्वारा, जो अर्जुन सौ चक्षु के द्वारा साक्षात भगवान का जो चतुर्भुज रूप माधुर्यमय साक्षात चतुर्भुज को अनुभव करते रहते हैं, वही अर्जुन इसी चक्षु के द्वारा भगवान का अंश विश्वरूप क्यों दर्शन करने में समर्थ नहीं है। अगर कोई तर्क करे महाराज कैसे कैसे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती तर्क उठा रहे हैं, कोई अगर सोचे अरे महाराज जो चक्षु देखे अपना चतुर्भुज रूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ दर्शन कर रहे हैं, किस द्विभुज रूप, अरे ऐसा दर्शन जिसका है समर्थ है, ये होने का बावजूद कैसे दिव्य चक्षु ग्रहण करने का क्या जरूरी है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ये तो हैरान की बात है। ये चर्चा जो है बड़ा गंभीर चर्चा है, ये चर्चा समाप्त नहीं होने वाला आज, आगे चलकर अगले सेशन में अगले हरिकथा में इस बात का खुलासा और करेंगे, और आगे चलकर बहुत सारे गंभीर विषय है। चलो ये सबसे बड़ा चीज है, दर्शन गौड़ीय दर्शन का विषय चर्चा हुआ, अब यहां से ही अगले दिन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में, चलो भगवान का इच्छा है। अपरिमिता ध्रुवास्तुनु भीतो यदि सर्वगता तरहीन साशते नेति नियमो ध्रुवो नेतो रथा अजनित जन्मयम तद विमुच्य नियंत्री भवे सममनु जानतम जदमतम मत दुष्टतया अपरिमिता ध्रुवास्तुनु भीतो यदि सर्वगता तरहीन साशते नियमो ध्रुवनीतो रथा अजनिच जन्मयम तद विमुच्य नियंत्री भवे सममनुजानतम जदमतम मत दुष्टतया वांछा कल्प दुर्वश्य के बासिंद व्यवच पतितानं पावन भवेश्वरभ्यो नमः।